शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हिल गई है और राज्यसभा चुनाव में हार के बाद सरकार पर संकट मंडराना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सरकार अल्पमत में है, लेकिन वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि अभी भी उनके पास बहुमत है। बीजेपी ने सीएम सुक्खू से विधानसभा में बहुमत साबित करने की मांग रखी है। उधर कांग्रेस आलाकमान भी अब एक्टिव हो गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच फोन पर बात हुई है और राहुल इस वक्त लंदन में है। कांग्रेस ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। आपको बताएं, अभी फिलहाल कांग्रेस के 6 विधायक पंचकुला के सेक्टर 3 से होटल हॉलीडे इन से हिमाचल के लिए रवाना हो चुके हैं। ये विधायक कल शाम से पंचकुला में ही ठहरे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच सेक्टर 3 के होटल हॉलीडे इन विधायकों को रखा गया था। हिमाचल प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी पंचकुला में इन विधायकों से मुलाकात की थी। कांग्रेस के 20 विधायक सीएम सुक्खू से नाराज बताए जा रहे हैं और ये विधायक सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं, तो इसलिए हो सकता है कांग्रेस का ये खेला बिगड़ चुका है। कांग्रेस सरकार पर ये संकट आया कैसे, ये आपको बताते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी क्रॉस वोट किया। विधायकों के बागी होने से कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी हार गए और बीजेपी के हर्ष महाजन ने बाजी जीत ली। हार के बाद अभिषेक मनु सिंह भी निराश दिखे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ डिनर करने वाले और मेरे नाम का प्रस्ताव देने वाले भी मेरे खिलाफ चले गए हैं। हार से सबक मिला है, मैं लौट कर आऊंगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस का ये खेला बिगड़ा कैसे। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कांग्रेस के जाने माने चेहरे अभिषेक मनु सिंघवी को हराया, जिससे जाहिर तौर पर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए मंच अब तैयार हो चुका है। अधिकारियों ने बताया कि मुकाबला 34-34 मतों से बराबरी पर रहा, लेकिन उसके बाद महाजन को ड्रॉ के जरिए विजेता घोषित कर दिया गया। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, जिसके पास 68 सदस्यीय विधानसभा में 40 विधायक है। राज्य में भाजपा के 25 विधायक है और 3 विधायक निर्दलीय हैं। विधानसभा में आंकड़ों की बात करें तो अभी कांग्रेस के पास 40 विधायक है, बीजेपी के 25 और निर्दलीय 3 है। कुल सीटें 68 है और बहुमत का आंकड़ा 35 है। लिहाजा अब इन 6 विधायकों के बाकी होने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं।